हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनुप। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मेरा चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हाउसफुल 4 के इतने सारे चेहरे मौजूद है कि मैंने सोचा थोड़ा फुटेज कम खा लेता हूँ, इसलिए मैं बन गया हूँ मिस्टर इंडिया। तो आओ मेरे यानी मिस्टर इंडिया के साथ कर लेते हैं हाउसफुल 4 के पोस्टर्स का डीकोड वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे गारंटी कुमार यानी द वर्ल्ड्स फोर्थ हाईएस्ट पेड एक्टर अक्षय कुमार साहब के बारे में। आ हा 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 हा, क्या लुक है यार। क्या आपने अक्षय कुमार को पहले ऐसे कभी देखा है? आई एम श्योर नहीं देखा होगा। आंखें तो देखिए, मतलब शैतानियत भरी पड़ी है, और ये मूछों को देखकर मुझे राउडी रातौर के दिन याद आ जाते हैं। पता नहीं तीर किस पर मार रहे, कोई हसीना ही होगी। इनका नाम इसमें है बाला, शैतान का साला, और दिख भी शैतान रहे हैं। इस लुक में सबसे इंटरेस्टिंग बात है उनका यह चमकता हुआ टकला। इस लुक को पाने के लिए अक्षय कुमार को तकरीबन 1 घंटे का मेकअप करना पड़ा। जी हाँ, ये मेकअप का कमाल है, प्रोस्थेटिक्स मेकअप इसमें इस्तेमाल किया गया है, सो दैट अक्षय लुक्स बॉल्ड इन दिस फिल्म। बहुत अच्छा लुक है, बहुत यूनिक लुक है, बहुत फनी लुक भी है और शैतानी भी है इसमें। तो ये उनका पुनर्जन्म का लुक है। तो आइए करंट अवतार में वो कैसे दिखते हैं। हा 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 हा, सो क्यूट, सो इनोसेंट, सो नॉटी, सो हैंडसम। किस अंदाज से अपने पुनर्जन्म अवतार को देख रहे हैं अक्षय कुमार। ये है हमारे सुंडी और ये है हमारे बाला। भाई बाला को देखकर ना मुझे पता नहीं पृथ्वीराज चौहान याद आ जाता है, जो अक्षय कुमार की अगली बड़ी फिल्म है। आई एम श्योर पृथ्वीराज चौहान में भी ऐसा ही कुछ रॉयल अवतार में वो नज़र आएंगे, ये हैंडल बार मुस्टाश, वो ईयर रिंग्स, नेकलेस, पोशाक वगैरह। तो वो फिल्म तो काफ़ी दूर है, अभी तो फ़िलहाल भैया हाउसफुल ही हाउसफुल है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बांगड़ू महाराज। भैया इनकी आंखों में जो एक्सप्रेशन है ब्यूटीफुल, और पता नहीं ये कौन सा मुद्रा पकड़े हुए हैं, लेकिन इनका नाम है नर्तकी बांगड़ू महाराज, मतलब नृत्य करते हुए नज़र आएंगे। एंड आई एम श्योर ही विल डिलाइट द ऑडियंस विद दिस ब्यूटीफुल सेंशुअल मूव्स। ओनली रितेश देशमुख कुड हैव प्लेड दिस रोल, एंड पोस्टर से तो ब्लॉकबस्टर लग रहा है उनका ये अवतार। ये है उनका करंट अवतार भैया, रेड जैकेट, वाइट टी शर्ट, डेनिम्स एंड जेल्ड हेयर। आई लाइक द पोज जहाँ पे उनका पुनर्जन्म का अवतार उनको एल्बो कर रहे हैं, लुक्स इंटरेस्टिंग। चलिए अब तीसरे मेल लीड को देख लेते हैं। ये है हमारे बॉबी दियोल यानी बॉबी जी, मेरे बॉबी जी नहीं, ये है बॉबी दियोल के बॉबी जी। इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं यार, लगता है रेस्त्री का रिव्यू वापस देख लिया उन्होंने। खैर, इनका नाम है अंगरक्षक धर्मपुत्र, ये रियल लाइफ में भी धर्मपुत्र ही है। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड बने हैं, और ये ग्लैडिएटर जैसा कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, और ये VFX के जिम के टोन्ड मसल्स बाइसेप्स दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लुक है, आई लाइक द बेल्ट एज वेल जो थोड़ा बहुत दिख रहा है, पूरा ग्लैडिएटर लग रहा है यार। एंड द वेवी हेयर, भैया तलवार मस्त लग रहा है, तलवार पे क्या लिखा है भैया जरा देख तो लूँ। मृत्योमा अमृतम गमया, इसका मतलब है ओ गॉड लीड मी फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, बॉबी दियोल ऑल सेट टू रॉक हाउसफुल 4। नया एडिशन है बॉबी दियोल का, और ये इनका करंट अवतार रहा है। भैया लिप्स तो देखिए, कितने सारे लिपस्टिक के मार्क है इनके इस शर्ट पर। भैया ऐसे शर्ट तो मेरे को भी चाहिए यार, पता नहीं मार्केट में मिलता तो नहीं है, बॉबी दियोल को कहाँ से मिल गया, बट लुकिंग वेरी हैंडसम बॉबी एंड लुकिंग नाइस ऑल्सो, इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक। मुझे अच्छा लगा आपका ये अवतार, बॉडी गार्ड एंड द करंट क्लासी अवतार, लुकिंग हैंडसम बॉबी दियोल। चलिए अब ये तो महिला पुरुषों का बात हो गया, अभी महिला है मतलब लेडीज की बात करें। लेडीज वेयर आर यू, ओ यस, हाउ सो ब्यूटिफुल इज कृति यार, वेरी 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 ब्यूटिफुल, हर आईज स्पीक, the nose ring is perfect, the earrings look beautiful, the jewelry is beautiful, the bangles are great, राजकुमारी मधु बनी हुई है। भैया कृति की बात करें ना, जब से सुशांत सिंह राजपूत के साथ ब्रेकअप हुआ है तब से उनके करियर पर 4 चांद लग गया। बरेली की बर्फी, लुक्का छुपी, अब हाउसफुल 4, अमेजिंग। तो ये था उनका पुनर्जन्म का अवतार, करंट जन्म में देखते ओ माई गॉड सो ब्यूटिफुल। उनके लिप्स पर उनके पुनर्जन्म ने मतलब राजकुमारी मधु ने हाथ रखा है, भाई मैं भी स्पीचलेस हो गया हूँ। आई एम ऑल्सो नॉट गोना से एनीथिंग, शी लुक्स एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल।
ये है पूजा हेगड़े जी, ये लास्ट टाइम मोहनजोदड़ो के फ्लड्स में डूब गई थी, अब हाउसफुल 4 के सहारे उभर कर वापस आने वाली है। राजकुमारी माला बनी हुई है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा ड्रेसिंग है इनका, लुकिंग लाइक अ राजकुमारी। ओ माय गॉड, ये तो कृति सनोन से ज़्यादा हॉट लग रही है यार, चलो अच्छी बात है, लुक्स ग्रेट। तीसरा कौन है? ओ माय गॉड, आई लव कृति खरबंदा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा है बात करने के लिए भी, यू विल फॉल इन लव विद हर, लुक एट हर यार, उनकी आँखें, उनके आईब्राउज, उनका वो स्माइल तो देखो, रिमाइंड्स मी ऑफ मोनालिसा, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए, इनका नाम है राजकुमारी मीना, मीना माला और मधुबाला, और मधु, सॉरी नॉट बाला, बाला तो अक्षय कुमार है। चलिए कृति जी का करंट अवतार देख लेते हैं, ओह माय गॉड, रेड हॉट, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब ये रहा कैप्टन ऑफ द शिप साजिद खान साहब, इन्होंने 70-75% हाउसफुल 4 डायरेक्ट किया है, इनका आइडिया था, इन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया था, रिसर्च भी किया था, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैड टू स्टेप डाउन मी टू मूवमेंट की वजह से। इनका नाम मी टू मूवमेंट में आया था, लेकिन जो भी एलिगेशंस थे कभी प्रूव नहीं हुआ था, तो बिना कोई सबूत, बिना कोई गवाह या बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के उनको हटाया गया इस फिल्म से। सबसे बुरी बात है कि यह फिल्म है उनकी, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, उनका नाम भी हटाया गया एज अ डायरेक्टर फ्रॉम दिस फिल्म, विच आई फील इज़ एक्सट्रीमली अनफेयर। आज सुबह ट्विटर पर भी बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया था उनको, सेइंग दैट साजिद खान शुड बी क्रेडिटेड एज द डायरेक्टर ऑफ हाउसफुल 4। ओह, नाना पाटेकर, इनको भी निकाला गया था इस फिल्म से, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, मी टू मूवमेंट में इनका भी नाम आया और इनको भी हटाया गया इस फिल्म से। अनफॉर्चुनेटली इनके जो भी सीक्वेंसेस शूट किए गए थे फिल्म के लिए, वो कभी किसी को देखने का मौका नहीं मिलेगा, एंड दैट इज़ वेरी अनफेयर, बिकॉज वी एज ऑडियंस वुड लव टू सी कि नाना पाटेकर ने इस फिल्म में किस तरह का काम किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो देखने का मौका नहीं मिलेगा। और भैया, ये मैं हूँ, ऑब्वियसली मैं थोड़ा तो फुटेज खाऊंगा ना, बिकॉज दिस इज माई चैनल, हियर आई एम विद अक्षय कुमार, एंड हियर आई एम विद नाना पाटेकर, एंड हियर आई एम विद कृति खरबंदा। आई लव अवर स्माइल एंड आई लव माइन टू, ये आई लव माई स्माइल मोर देन कृति। अब ये कृति ने अपने आप पर फोकस कर दिया और मुझे आउट ऑफ फोकस कर दिया, बट डजेंट मैटर यार। तो ये था मेरा डीकोडिंग रिव्यू ऑफ हाउसफुल 4 पोस्टर्स, होप यू लाइक्ड इट। दिस सोनप साइनिंग ऑफ फ्रॉम बॉलीवुड वाला, बाय बाय।